रेवाड़ी में जन स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। सीवरेज पाइपलाइन डालने के बाद सड़क को नहीं किया ठीक से दुरुस्त, सड़क के बीचों बीच धसा ट्रैक्टर। रेवाड़ी बाईपास पर जाम लगाए ये ग्रामीण कालका गांव के हैं। दरअसल इन ग्रामीणों का गुस्सा भी जायज है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सड़क में सीवरेज और पानी की पाइपलाइन डाली गई थी, जिसके बाद जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सड़क को ठीक तरीके से समतल नहीं किया गया और सड़क देखते ही देखते धस गई। ग्रामीणों का गुस्सा उस वक्त रोष में बदल गया जब यहाँ एक ट्रैक्टर धस गया। हालांकि चालक परिचालक को ज्यादा चोट नहीं आई। कालका गाँव इसी सड़क से रेवाड़ी को जोड़ता है, जिसके चलते गांव के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीते दिन भी एक बुजुर्ग की इसी जगह साइकिल से गिरकर मौत हो गई थी। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया और क्रेन की मदद से ट्रैक्टर को निकलवाया। फिलहाल क्या नाम है जी, क्या विरोध है आपका? ये हमारा विरोध है, 6 महीने हो गया सीवर लाइन दब रही थी, सीवर लाइन दब चुकी है। कई दफा हम डीसी के पास भी जा चुके हैं, यहाँ धरना भी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहा है हमारी। कल एक आदमी साइकिल से गिर के वो भी गुजर चुके हैं। कल कहाँ गिरा, कैसे? गांव से रेवाड़ी आ रहा था साइकिल के ऊपर, तो वहाँ फैक्ट्री के पास ही वहाँ साइकिल से गिर गया, उसका ये सर लगा, सर लगने से वो रास्ते में एक्सपायर हो गया। ये देख रहे मट्टी धस गई। सर एक बात बताओ, क्या नाम है? राहुल नाम है मेरा। एक बात बता, अगर यहाँ स्कूल बस होती और उसमें बच्चे होते तो क्या बनता सर? ये तो ट्रॉली की वजह से बचाव हो गया, ट्रैक्टर का था कि पलटा नहीं। अगर यहाँ स्कूल बस होती तो क्या बन जाता? क्या विरोध है? पूरा विरोधी है कि जी रोड बहुत खराब कर रखा है, समय पे काम नहीं हो रहा है, और कल भी यहाँ पे एक व्यक्ति की मौत हो गई है साइकिल से, जो गिर गया था रोड के कारण, फिर अभी ये फंस गए। यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी आते हैं, कल मेरी खुद की बच्ची इसके अंदर गिरते गिरते बची है, और बहुत ज़्यादा रोष है जनता के अंदर, और कुछ भी नहीं हो, कुछ भी कार्य नहीं हो रहा इस सरकार के अंदर। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया और क्रेन की मदद से ट्रैक्टर को निकलवाया। फिलहाल ग्रामीण सड़क को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं।